दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ ज्वाइन बटन को कैसे इनेबल करना है प्रॉपर तरीके से, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सिखाने वाला हूँ। इसी के साथ ज्वाइन बटन इनेबल करने से हम लोगों को कितना बेनिफिट मिलता है इसके बारे में भी थोड़ा आइडिया दूंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, बट इससे पहले अगर आप चैनल पर नए तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाएं, ऑल सेलेक्ट कीजिए ताकि हमारे सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलता रहे। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो अब हम सबसे पहले बात करते हैं ज्वाइन बटन इनेबल करने से हम लोगों को कितना बेनिफिट मिलेगा। देखिए अगर आप एक गेमर से तो यहाँ पर आपको ज्वाइन बटन से बहुत बेनिफिट मिलने वाला है, लेकिन कितना मिलने वाला है इसके बारे में मुझे एग्जैक्टली नॉलेज नहीं है क्योंकि मेरे यहाँ पर घर के आसपास कोई गेमर सोचा है नहीं। लेकिन मैं इतना बता सकता हूँ कि अगर आप एक गेमर से तो ज्वाइन बटन से आप बहुत सारा पैसा इनकम कर पाएंगे। बट अगर आप एक गेमर नहीं है तो यहाँ पर कुछ और चीजों के ऊपर डिपेंड करते हैं। सब्सक्राइबर अगर ज्यादा होते हैं तो ऑब्वियसली बात है कि मेंबर्स ज्यादा ही होंगे। अब दूसरी बात, आपकी फेच वैल्यू कितना है। फेच वैल्यू अगर ज्यादा है तो ऐसे टाइम मेंबर्स ज्यादा होने का संभावना बढ़ जाते हैं। तो इन सब के ऊपर डिपेंड करते हैं कि आपको ज्वाइनिंग बटन से कितना बेनिफिट मिलेगा मंथली। इसके अलावा अगर बहुत ज्यादा पॉपुलर है आप, बहुत ज्यादा फेस वैल्यू है आपका, तो यहाँ पर प्राइस भी ज्यादा रख सकते हैं। प्राइस कहाँ कैसे ज्यादा रखना है आगे काम करते वक्त सामने वो स्टेप आ जाएगा, उस वक्त मैं आपको बता दूंगा। तो चलिए मेन मुद्दे के ऊपर बात करते हैं। अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ कंप्यूटर स्क्रीन में। अगर आप मोबाइल से करना चाहते हो तो सेम टू सेम है, जस्ट क्रोम ब्राउजर ओपन करना है, डेस्कटॉप साइज में जाना है और कंप्यूटर जैसा स्क्रीन आपके मोबाइल में ऑन हो जाएगा और सेम टू सेम काम आपको मोबाइल में करना है। तो अब मैं अपना डैशबोर्ड ओपन कर लिया हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हैं आइडियाज फॉर यू, यहाँ पर बता रहा है यू हैव अनलॉकेड चैनल मेंबरशिप और नीचे जो गेट स्टार्ट का बटन है यहाँ पर क्लिक करके भी हम ओपन कर सकते हैं। बट यहाँ से मैं आपको नहीं दिखाने वाला हूँ, मैं आपको अभी दिखाने वाला हूँ चैनल मोनेटाइजेशन के ये सेक्शन पर जाके। तो अभी हम सीमोर के ऊपर क्लिक करके भी जा सकते हैं, मेंबरशिप के ऊपर क्लिक करके भी जा सकते हैं। उसके बाद हमारे सामने कुछ इस तरह के इंटरफेस ओपन हो जाते हैं और यहाँ पर हम लोगों को चार स्टेप पूरा करना है। तो सबसे पहला स्टेप जो है सेटअप योर मेंबरशिप ऑफर, तो यहाँ पर स्टार्ट के ऊपर क्लिक करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले लिखा हुआ है हाउ इट वर्क, एक कैसे काम करते हैं, कैसे क्या करते हैं। यहाँ पर कुछ मेंशन है एग्जांपल्स के तौर पर। इसके अलावा यहाँ पर तीन लेवल ऑटोमेटिक से आया है, अगर आप और भी लेवल ऐड करना चाहते हैं तो ऐड लेवल के ऊपर क्लिक करके आपको लेवल ऐड करना है। यहाँ पर आप 5 लेवल तक ऐड कर सकते हैं। अगर आपको डिलीट करना है तो इस साइड में आप देख सकते हैं डिलीट लेवल, यहाँ पर आपको जस्ट क्लिक करना है। क्लिक करने से लेवल धीरे धीरे डिलीट होता जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग नंबर 1 के लेवल कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पर हमें लेवल का नाम रखना है। देखिए लेवल का नाम आपको ऐसे रखना है, नंबर 1 लेवल में जो नाम हम रखेंगे उससे थोड़ा बेटर नाम आपको रखना है नंबर 2 के अंदर, लेवल नंबर 2 के अंदर उससे बेटर नाम रखना है आपको नंबर 3 लेवल के अंदर। तो यहाँ पर मैं नाम रख देता हूँ सिल्वर। उसके बाद आते हैं प्राइस, आप नंबर 1 लेवल के लिए क्या प्राइस सेलेक्ट करना चाहेंगे। यहाँ पर लो प्राइस के अंदर 29 रुपया है, 59 रुपीज है, 89 रुपीज है, 119 रुपीज है। लो लेवल के अंदर सबसे पॉपुलर प्राइस रेंज है यही 59 रुपीज, तो मैं भी यहाँ पर 59 रुपीज रखता हूँ। अगर आप कुछ डिफरेंस रखना चाहते हैं तो यहाँ से आप रख सकते हैं। तो पहले मैं आपको बताया था कि प्राइस आप कुछ ज्यादा रख सकते हैं अगर फेस वैल्यू आपका ज्यादा है, यहाँ से आपको पैसा अर्निंग होगा। बट मैं आपको रिकमेंड ऐसा नहीं करूंगा कि कम से कम प्राइस रखिए ताकि ज्यादा ऑडियंस आपके चैनल के मेंबर बन पाए। तो यहाँ पर मैं रख रहा हूँ 59 रुपीज। उसके बाद ऑप्शन आते हैं व्यू एडजस्टेड प्राइस फॉर मेंबर्स इन इंडिया, तो यहाँ पर मैं इंडिया ही सेलेक्ट कर रहा हूँ किन लोगों के लिए ये प्राइस सेलेक्ट किया हो। अगर आप दूसरे काउंटर के लोगों के लिए प्राइस सेलेक्ट किया है तो दूसरा काउंटर यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं पार्ट्स, और पार्ट्स के अंदर हम लोगों को कुछ ऐसा फैसिलिटी डालना होगा जैसे कि 59 रुपीज दे के प्रोवाइड करा के अगर कोई मेरे चैनल पर ज्वाइन करते हैं, मेरे चैनल का मेंबर बनते हैं, तो उन लोगों को क्या क्या फैसिलिटी हम प्रोवाइड करवाएंगे वो हम लोगों को यहाँ से डालना होगा। तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर बहुत सारे चीज है जो कि आप अपने मेंबर्स को प्रोवाइड करवा सकते हैं। लेकिन अगर आप कुछ ऐसा फैसिलिटी प्रोवाइड करवाना चाहते हैं अपने मेंबर को जो कि यहाँ पर अगर मेंशन नहीं होता है, तो आप क्या कर सकते हैं क्रिएट माई ऑन पार्क के ऊपर क्लिक करके उसे यहाँ पर अपने हिसाब से डाल सकते हैं। अगर आप इस तरह करके कुछ नहीं डालना चाहते तो यहाँ पर डिलीट के ऊपर क्लिक करके फिर से पार्क के ऊपर जाके यहाँ पर जो भी सिस्टम है, जो भी फैसिलिटी है, यहाँ से आप डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पर डालूंगा एक्सेस टू मेंबर्स ओनली लाइव चैट। उसके बाद यहाँ पर आते हैं डिस्क्रिप्शन, इसी के बारे में कुछ डिटेल्स और भी कुछ बोलना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको डालना है। तो यहाँ पर मैं डिस्क्रिप्शन डाल दिया हो, सेम चीज डाल दिया हो, अगर आप दूसरा कुछ बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर और एक इंट्रोडक्शन का ऑप्शन आते हैं, तो यहाँ पर आप कुछ भी डाल सकते हैं। यहाँ पर सारा कुछ कंप्लीट हो चुका है और लेवल 2 के अंदर भी सेम टू सेम सब कुछ करना है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा डिफरेंस है। फर्स्ट लेवल के अंदर जो भी कुछ आप प्रोवाइड करवाया है
वो सब तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन एक्स्ट्रा से आप क्या क्या प्रोवाइड करवाना चाहते हैं अपने ऑडियंस को, अपने मेंबर्स को, वो आपको यहाँ पर डालना होगा। लेकिन यहाँ पर लेवल 2 में डिलीट कर दिया हो, क्योंकि लेवल 2 नहीं रखूंगा, जस्ट एक ही लेवल रखूंगा। बाद में अगर एडिट करना चाहो, कुछ और ऐड करना चाहो तो ऐड कर पाऊंगा, अभी के लिए बस इतना ही। उसके बाद हमें क्या करना है, जस्ट सबमिट फॉर रिव्यू के ऊपर क्लिक करना है। जब हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाते हैं। यहाँ पर हम लोगों को इसे ट्रिक मार्क कर देना है, राइट चेंज कर देना है, उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर भी हम लोगों को एक ट्रिक मार्क लगाना है, एंड देन हम लोगों को सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। तो क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर 17% कम्प्लीट हो चुका है। इसके अलावा हम लोगों को नीचे और काम करना है, अपलोड बेट्स एंड इमोजी। यूट्यूब ने कुछ बेट्स बनाया है, अगर आप उसे यूज करना चाहते हैं, जैसे कि ये सब बेट्स है, ये सब अगर यूज करना चाहते हैं तो आप यहां से डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप खुद से कुछ बेच बनाया है, कुछ अपलोड करना चाहते हैं, तो यहां पर अपलोड माय ऑन के ऊपर क्लिक करके, यहां पर क्लिक कर सेलेक्ट इमेज के ऊपर क्लिक करके आप उस बेच को यहां पर डाल सकते हैं। तो अभी के लिए मैं यूट्यूब का ही बेच वगैरह यूज़ करता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप इमोजी भी लगा सकते हैं कुछ, लेकिन मैं इमोजी वगैरह नहीं लगाऊंगा अभी के लिए। उसके बाद सेव के ऊपर जस्ट क्लिक करना है। सेव के ऊपर क्लिक करने के बाद ऊपर जाता हूँ, देखिए 42% कंप्लीट हो चुका है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा जो ज्वाइन बटन का जो प्रोसेसिंग है इन रिव्यू में है, इन रिव्यू में चला गया है। 30 मिनट से लेकर 48 घंटे तक लग सकता है। उसके बाद नीचे जाऊंगा, यहाँ पर अनाउंस योर मेंबरशिप, यहाँ पर स्टार्ट के ऊपर क्लिक करके हमारे चैनल पर जो भी मेंबर बनेगा उन लोगों को ए फैसिलिटी हम प्रोवाइड करवाएंगे, ये बोलकर आप यहाँ पर एक वीडियो अपलोड कर सकते हैं। तो मैं तो नहीं करूंगा, अगर आपको करना है तो कर सकते हैं। उसके बाद लास्ट जो ऑप्शन है, पुश टू वेलकम न्यू मेंबर, आई मीन आप कुछ ऐसा पोस्ट डाल पाएंगे जो कि सिर्फ और सिर्फ मेंबर्स को ही शो होगा, जो लोग आपके चैनल में ज्वाइन करेगा। स्टार्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद क्रिएट कम्युनिटी पोस्ट के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद सीधा हमारे चैनल पर जाएगा। एग्जांपल के तौर पर मैं यहाँ पर एक कम्युनिटी पोस्ट डाल ही देता हूँ। मान लीजिए कि इसे हमें अपलोड करना है सिर्फ और सिर्फ मेंबर्स के लिए, तो यहाँ पर हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पर विजिबिलिटी के ऊपर क्लिक करना है। विजिबिलिटी के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा पब्लिक, और दूसरा ऑप्शन मिलेगा ऑल चैनल मेंबर्स। तो आपको पब्लिक में नहीं रखना है, आपको ऑल चैनल मेंबर्स के ऊपर रखना है। तो यहाँ पर रखने से क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ जो लोग ज्वाइन किया है वही लोग देख पाएगा। तो पोस्ट करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं मेंबर्स ओनली, सिर्फ और सिर्फ इसे मेंबर्स ही देख पाएगा, बाकी के जितने भी लोग हैं वो लोग इसे नहीं देख पाएगा। तो यहाँ पर मैं रिटर्न आ चुका हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं वीडियो बनाते बनाते ही हमारा जो ज्वाइन बटन है वो अप्रूव हो चुका है, अभी हम एडिट भी कर सकते हैं। उसके बाद जब हमारा सारा काम कंप्लीट हो जाते हैं, जस्ट हमें टर्न ऑन के ऊपर क्लिक करना है, और यहाँ पर इस तरह का इंटरफेस आएगा, यहाँ से हमें टर्न ऑन के ऊपर फिर से क्लिक करना है। तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि नया और एक इंटरफेस ओपन हो गया है। ज्वाइन बटन के बारे में जितना भी इंफॉर्मेशन है, जितना भी कुछ मैं वीडियो या फिर कम्युनिटी पोस्ट वगैरह डालूंगा, ये सभी कुछ यहाँ पर शो होगा, एक ज्वाइन बटन का एक इंटरफेस है। तो अभी मैं दूसरा चैनल से अपना चैनल ओपन किया हुआ, और यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा जो चैनल का जो ज्वाइन बटन है यहाँ पर आ चुका है। यहाँ पर क्लिक कर लेता हूँ, एक बार देखता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्सेस टू मेंबर्स ओनली लाइव चैट, आपके व्यूअर्स आपके सब्सक्राइबर जब ज्वाइन करेगा, ज्वाइन करने से पहले यहाँ पर वो लोग पढ़ पाएगा जो भी आप डिस्क्रिप्शन लिखेंगे। तो गाइस कुछ इस तरह करके आप भी अपने चैनल के ज्वाइन बटन को इनेबल कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना, और चैनल पर अगर आप नए तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, ऑल सेलेक्ट कीजिए, ताकि हमारे सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलता रहे। तो आज के लिए इतने मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।